सो हाई एवरी वन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो यार ये मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों का दिवाली सेलिब्रेशंस कैसा आ गया, किस तरीके से आपने दिवाली को सेलिब्रेट किया, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। और ये जरूर से बताना कि कौन से तारीख को सेलिब्रेट किया। यार इतना कन्फ्यूजन था इस बार, जिसको पूछो वो क्या बोलता है 31st को दिवाली है, किसको पूछो तो वो बोलते हैं अरे 1 तारीख को दिवाली है, अरे तूने तो 31st को बनाया, मैंने तो 1 को बनाया। तो ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन हुए थे इस बार बिकॉज ऑफ द अमावस्या। जो जो पड़ा था वो एक्चुअली 2 दिन में स्प्लिट हो गया था। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कौन से दिन में सेलिब्रेट किया? 31st को लक्ष्मी पूजन किया यानी मेन दिवाली 31st के नाइट को सेलिब्रेट किया, या फिर 1 तारीख की नाइट को सेलिब्रेट किया? ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात बताता हूँ। ये दिवाली जो है अब ये बीत चुका है, आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये भाई दूज का दिन है, मराठी मध्ये आम्ही भाऊ बीज बनता, तो आज कंप्लीट हो जाएगा सब त्योहारों का सिलसिला जो इतने दिनों से चल रहा है, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, छोटी दिवाली, ठीक है ना, फिर मेन दिवाली, लक्ष्मी पूजन, अभी भाऊ बीज, ये सब अभी कंप्लीट हो गया। तो सब कंप्लीट होने के बाद हमारा एक ही गोल बचता है, क्या? सेलिब्रेशंस तो हो गया, मजा मस्ती भी आपने किया, ठीक है, अब हमें वापस से हमारे ट्रैक पे आ जाना, यानी हमारा जो मेन गोल है, हमारा जो मेन चीज है इस टाइम पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके लिए? पढ़ाई। आप जो भी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, आपकी पढ़ाई आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो उसको कैसे पीछे छोड़ सकते? तो जो भी आपने 1 हफ्ता मजा मस्ती किया, 5-6 दिन जो भी एंजॉयमेंट किया, अब उसको थोड़ा सा बाजू कर दो, क्योंकि अब समय आ गया है वापस से अपनी राह पे चल पड़ने का और वापस से अपनी स्टडीज को ऑन करने का। एंड दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, जस्ट टू मेक अवेयरनेस अमॉन्ग यू गाइस कि आप अपनी स्टडी को दोबारा से स्टार्ट कर दो। तो ये जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए है जो 6th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है, लेकिन जो कॉलेज वाले स्टूडेंट है यानी 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट है, उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा। हमारे जो दूसरा वाला मेन चैनल है जे आर कॉलेज, जो स्पेशली 11वीं और 12वीं का मेन चैनल है, उस पर आ जाएगा थोड़ी देर में या फिर कुछ घंटों के बीच में आ जाएगा। ये जैसे वीडियो कंप्लीट होगा वहां पर भी वीडियो आ जाएगा, तो जरूर से वहां पर भी देख लेना, जे आर कॉलेज के बच्चे और जो 10वीं तक के बच्चे हैं वो यहाँ पे देख लेना। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जो दिवाली का जो टाइम होता है इसमें हमें वैकेशन भी मिलता है, यानी कि अगर देखा जाए तो मैं जितने भी बच्चों से मैंने बात किया तो हर एक को एक 10 से लेकर 15 दिन का एक छुट्टी मिला हुआ है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो बोलते हैं सर हमारा जो स्कूल है वो तो 16 तारीख को खुल रहा है, 15 तारीख को खुल रहा है, मतलब देखा जाए तो कुल मिला के 15-16 दिन छुट्टी मिल रहा है। तो मैं चलो 15 दिन नहीं मानता हूं, मैं मानता हूं कि 10 से 12 दिन आपको छुट्टी मिल रहा है। तो ये जो 10 से 12 दिन का छुट्टी है ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपका जो ये प्रीशियस टाइम मिला है जो वैकेशन का, इसको वेस्ट नहीं करना है, डोंट वेस्ट योर टाइम, बल्कि आपको क्या करना है, इस वैकेशन को यूटिलाइज करना है, इस तरीके से अपना लेना है कि आप इस दौरान अगर पढ़ाई कर लो तो आप बाकी लोग से कई गुना ज्यादा आगे निकल जाओगे, कई सारा चीज आप पढ़ के आगे निकल सकते हो, ठीक है। तो जरूर से करना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको मैं इलाबोरेट करूंगा, आप जरूर से सुनना। हो सकता है ये वीडियो बड़ा बन जाए, छोटा बन जाए, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देख लो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि स्लो है तो आप वीडियो को स्पीड को बढ़ा सकते हो, 1.5-2x की स्पीड पे भी आप देख सकते हो, जो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे की, जो कि हमारा पॉइंट है यहाँ पे। यस, आई गॉट माई मार्कर हियर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ जनरल तौर पे, जैसे मैं हमेशा अपने बच्चों से पूछता रहता हूँ, बात करता रहता हूँ कि आपकी दिवाली वैकेशन सेलिब्रेशन कैसी रही, जरूर से बताना किस तरीके से आपने सेलिब्रेट किया, क्या क्या किया, क्या कुछ खरीदा, घूमने गए, दिवाली कैसे बनाए, वो जरूर से बता देना। चलो अब आ जाते हैं, जैसे मैंने बोला नाउ यू हैव टू बैक टू योर गोल, आपको अपने गोल पे, क्योंकि देखो हर एक बच्चा अपने लाइफ में गोल बनाता है, चाहे वो एक नॉर्मल 8वीं का बच्चा हो, 9वीं का बच्चा हो, या फिर स्पेशली 10वीं बोर्ड का बच्चा हो। तो आपको पता है कि आपका मेन जो गोल है वो क्या है, बोर्ड एग्जाम, जो कि 2025 को होने वाला है। अब 2025 में ये जो बोर्ड एग्जाम है वो बहुत जल्दी आ गया है, यूजुअली फरवरी, माफ करना, यूजुअली मार्च के महीने में हर बार देखने मिलता है, 1 मार्च 2 मार्च 3 मार्च के आसपास 10वीं का बोर्ड एग्जाम शुरू होता है। इस बार ऐसा बोला जा रहा है कि 21 फरवरी, बोला क्या जा रहा है, डेट तो आ ही गया है, बस टाइम टेबल आना बाकी है। तो 21 फरवरी से 10वीं का बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहा है। तो मतलब अगर मैं 10वीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, अगर कोई बच्चा मुझे देख रहा है यहाँ पे 10वीं का है, तो हमारे पास सिर्फ कितने दिन बचे हैं, ये नवंबर, दिसंबर और जनवरी, मतलब 3 महीना कंटिन्यू अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 3 महीना बचा है, क्योंकि ये फरवरी का ये 20 दिन तो मैं पकड़ नहीं सकता, तो इसमें तो आपके ओरल, वाइवा, प्रैक्टिकल्स ये सब में ही चले जाएंगे। तो देखा जाए देर आर ओनली 90-100 डेज आर विथ यू, एंड उसी में आपको पढ़ के कंप्लीट करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, नाउ स्टार्ट योर स्टडी इफेक्टिवली। अब इफेक्टिवली का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने बोला कि मान लो आपको 10 दिन का वैकेशन मिला है, अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं अभी भी वो वैकेशन मोड पे होते हैं, यानी वैकेशन मोड मतलब क्या, अरे चलो तो अभी तो दिवाली कंप्लीट हुआ है, थोड़ा और मजा कर लेते हैं। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चे, अभी आपके पास अगर फटाके बच्चे तो फटाके भी फोड़ो,
आपके पास अगर कुछ काम है वो भी कर लो, लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि अगर आप ज्यादा नहीं बच्चा, डेली अगर मैं बात करूं पूरा जो, अगर मैं एक स्टैंडर्ड के हिसाब से बात करूं, तो जो हमारे सिक्स के बच्चे हैं, सेवेंथ के बच्चे हैं, एट्थ के बच्चे हैं, इनके ऊपर बहुत ज्यादा लोड नहीं होता, क्योंकि मुझे उनको ही पता है कि बोर्ड एग्जाम तो है नहीं और ऐसा बहुत ज्यादा कंपटीशन है नहीं, तो मैं इनको बोलूंगा कि यार आप हर दिन एटलीस्ट एक से दो घंटा तो जरूर से पढ़ाई करो यार, एक से दो घंटा आप पढ़ाई करोगे, इससे क्या होगा कि आपका पूरा सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की आपको कोशिश रहेगी, तो आप कंप्लीट कर पाओगे। तो आपके लिए तो हमने सारा कंटेंट डाल रखा है, आपको पता है कि सारे वीडियो सब चैप्टर्स को पढ़ा के रखा है, मिड टर्म के आगे के जो भी चैप्टर्स आपको एग्जाम में आएंगे, जो सेकंड यूनिट टेस्ट में आएगा, आगे के चैप्टर्स आएंगे, वो सब भी प्रेजेंट है। तो आप अभी से क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे हो, आप हमारे चैनल पर जाके, आप वीडियो सेक्शन में जाके ढूंढ के पढ़ सकते हो वीडियो, तो जरूर से देखो, एटलीस्ट एक दो घंटा आप वीडियो देखो या फिर एक दो घंटा आप स्टडी करो, लर्न करो, जिससे आपका बहुत हेल्प होगा, ठीक है। अब दसवीं के बच्चे की मैं हमेशा बात करता हूं, तो दसवीं के बच्चा आपको तो टाइम वैसे भी कम है, तो आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, तो आपका सिर्फ एक दो घंटे से काम नहीं होगा। तो दसवीं के लिए मैं बात करूं, खासकर टेंथ स्टूडेंट्स के लिए, तो टेंथ स्टूडेंट्स आपका सबसे इंपॉर्टेंट, ये क्रूशियल टाइम है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस वैकेशन को ऐसा पढ़ते हो कि आप इस तरीके से पढ़ लोगे कि बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारा जो चैप्टर्स है वो आप यही इसी दौरान में कंप्लीट कर लोगे, तो आपका जो दिसंबर का टाइम रहेगा उसमें लोड कम आएगा, और दिसंबर के टाइम पे लोड कम आया तो कहीं ना कहीं आप रिवीजन पे ज्यादा फोकस कर पाओगे। नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इस नवंबर को वेस्ट कर देंगे, इस वैकेशन को वेस्ट कर देंगे, दिसंबर आएगा पूरा सर के ऊपर लोड आ जाएगा कि इतने सारे चैप्टर पढ़ के कंप्लीट करने हैं, और दिसंबर एंडिंग तक पूरा कंप्लीट नहीं कर पाओगे, और फिर जब जनवरी स्टार्ट हो जाएगा फिर तो आपको रिवीजन करना रहेगा। तो इधर आपका सिलेबस ही अगर कंप्लीट नहीं हुआ है पूरा पढ़ के, हर एक चैप्टर ही पढ़ के नहीं हुआ है, तो आप रिवीजन किस चीज का करोगे? तो बच्चा वही होता है, फिर घबरा जाता है लास्ट मोमेंट पे, उसका कुछ पढ़ के नहीं होता है, और फरवरी आते आते आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे दसवीं के, 21 फरवरी को एग्जाम है, फिर आप डिप्रेशन में आ जाओगे, आपको आप कमेंट करोगे कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, कुछ चैप्टर बता दो पढ़ लो, ये पास हो जाओ। देखो ऐसा नहीं होता, पास होने के लिए तो मैं तो आपको अभी बोल दूं कि तीन चैप्टर पढ़ लो पास हो जाओगे, बता दूंगा, लेकिन सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे हो क्या आप? नहीं ना, आपको हमेशा कोशिश करना है कि आप 70-80-90% के करीब पहुंचो, और खासकर ऐसे बच्चे जो हमेशा टारगेट करते हैं कि मैं टॉपर बनूं, तो या 90% से कम का तो सोचना ही नहीं है, तो उसके लिए आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। तो अगेन मैं बोल रहा हूं कि ये क्रूशियल टाइम का बहुत एडवांटेज आप ले सकते हो दसवीं के बच्चे, तो ट्राई टू कंप्लीट योर सिलेबस वेरी फास्ट, यूटिलाइज दिस वैकेशन, जितना हो सके इस वैकेशन को यूटिलाइज करो, और जैसे मैंने 6, 7, 8, 9, 8 के लिए बोला है कि आप एक से दो घंटा पढ़ो, वही अगर मैं 9th के लिए बोलूं तो 9th के लिए आप 2 से 3 घंटा पढ़ सकते हो, 9th के बच्चे थोड़ा सिलेबस बड़ा होता है, इसके लिए मैं आपको ज्यादा टाइम पढ़ने बोल रहा हूं, लेकिन मैं दसवीं की बात करूं तो आपको एटलीस्ट 4 से 5 घंटा तो डेली पढ़ना ही है, 4 से 5 घंटा कुछ नहीं होता मेरे भाई, 4 से 5 घंटा आप यूटिलाइज कर लोगे अगर डेली का, तो ये 10 दिन इस तरीके से पढ़ लोगे कि भाई आपका सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपको मैं बता रहा था, एक चीज, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने यहाँ पे बीच में रखा हुआ है, जो कि है मेक स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी बनाना बहुत जरूरी है, ये दसवीं के लिए भी बोल रहा हूँ, 6, 7, 8, 9 के लिए भी बोल रहा हूँ, दसवीं के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मेरे को क्या चैप्टर पढ़ना है, उसमें से कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, और कौन से जो टॉपिक है जो इररिलेवेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछेंगे ही नहीं कभी, तो उसको आपको स्किप करना है, तो उस हिसाब से आप क्या करोगे, प्लानिंग करोगे, स्ट्रैटेजी करोगे। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आपके लिए एक वैकेशन का स्ट्रैटेजी मैं तैयार कर रहा हूं, मैं बताना चाहता हूं, लास्ट टाइम भी एक वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मैंने आपको कमेंट सेक्शन में पूछा था कि क्या आपको वैकेशन स्ट्रैटेजी चाहिए, तो बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया मुझे, कमेंट आया कि सर वैकेशन का स्ट्रैटेजी बना दो, तो वैकेशन तो अभी शुरू हुई है, अभी तो दिवाली कंप्लीट हुई है, तो आज ये वीडियो आपको मिल रहा है जो कि आपको अवेयर कर रहा है कि आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो, लेकिन आज नहीं तो कल, यानी 1 या 2 दिन के अंदर, ये वीडियो के आने के 1 या 2 दिन के अंदर एक और वीडियो आपको मिलेगा जो कि आपके वैकेशन स्ट्रैटेजी के ऊपर होगा, कि आपको इस तरीके से बताया जाएगा कि आपको कब कौन से टाइम पे क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, ये आपको मैं बताऊंगा, तो टेंशन मत लेना, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। दूसरा, जैसे मैंने बोला कि जो 6, 7, 8, 9 के स्टूडेंट्स है, इसको आपको पढ़ाई स्टार्ट इसलिए करना है क्योंकि आपका जो अगले चैप्टर्स है, जो आपके मिड टर्म एग्जाम्स में आए थे, मान लो कि आपके मैथ्स में टोटल थे 20 चैप्टर, तो 20 में से स्टार्टिंग के मिड टर्म एग्जाम यानी फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम था उसमें 10 चैप्टर आए होंगे, तो आप अपना 11वां चैप्टर स्टार्ट कर दो, 12वां चैप्टर स्टार्ट कर दो, 13वां चैप्टर स्टार्ट कर दो, तो इस तरीके के आगे के चैप्टर जो हो गए हैं वो छोड़ दो, वो हो गए, ठीक है ना, जो मिड टर्म एग्जाम में आ गए आ गए, लेकिन मिड टर्म एग्जाम्स के जो आगे आने वाले चैप्टर्स है उसको तो आप अभी से ही इस वैकेशन में पढ़ के रख सकते हो, ताकि जो आपका सेकंड यूनिट टेस्ट आएगा, कब आएगा, दिसंबर के आसपास आपका सेकंड यूनिट टेस्ट आएगा, दिसंबर जनवरी के आसपास आएगा, ठीक है, तो जो सेकंड यूनिट टेस्ट आएगा उसके लिए आप पहले से इस वैकेशन में तैयार रहोगे, पढ़ के कंप्लीट कर लोगे, तो आपका वो जो सेकंड यूनिट टेस्ट है उसमें टॉप करने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो आप इस तरीके से करो, कोई अगर एवरेज बच्चा है जो कभी सोचता भी नहीं था टॉप करने का, इस वैकेशन में इस तरीके से पढ़ लो कि यार सेकंड यूनिट टेस्ट में आप अचानक से टॉपर बनकर निकल जाओ, टीचर और आपके फ्रेंड्स भी चौकन्ने हो जाए, भाई क्या हो गया, ये कौन आ गया भाई अचानक से टॉपर बन के, तो इस प्रकार से आपको मेहनत कर लेना है। तो यूटिलाइज योर वैकेशन एंड मिड टर्म एग्जाम्स का, मिड टर्म एग्जाम के बाद का सिलेबस को अच्छी तरीके से पढ़ लेना।
इस तरीके से स्टडी करो कि आपका ये जो 10 दिन की पढ़ाई है वो आपके एक महीने की पढ़ाई पे भारी पड़ जाए, समझ रहे हो। यानी नॉर्मल दिनों में जब आप एक महीने में पढ़ते थे, रोज आधा घंटा पढ़ते थे, कभी पढ़ते थे कभी नहीं पढ़ते थे, लेकिन इस वैकेशन के इस 10 दिन में इस तरीके से पढ़ लेना कि आपके वो एक महीने की पढ़ाई पे भारी पड़ जाए। और अगर आप ऐसा कर लोगे तो समझ जाना कि आप सक्सेस की राह पे चल पड़ोगे, ये चीज ध्यान में रखना, क्लियर। तो बस यार मुझे यही बताना था कि बच्चे देखो अब दिवाली वैकेशन एंजॉयमेंट बाकी सब चीज हो गया, अब आपके अपने स्टडी के ट्रैक पे वापस आ जाओ, बस यही मैं बोलना चाहता हूँ। स्टार्ट योर स्टडी, बाकी हमारे इस चैनल पे सारे के सारे चैप्टर्स अवेलेबल है, 6, 7, 8, 9, 10 की अगर मैं बात करूं, वैसे तो 11वीं 12वीं भी है, तो आप सब कुछ पढ़ सकते हो, हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर्स के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस अवेलेबल। तो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग हार्ड एंड कीप क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट, ठीक है। बस आज के लिए इतना, ये वीडियो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प करेगा और उम्मीद करता हूं ये वीडियो देख के आपके अंदर एक मोटिवेशन आ गया होगा और आप अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर दोगे कि नहीं, कॉमेंट करो कि सर एग्जाम आए बाद में आए चलेगा, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, मिड टर्म एग्जाम्स के बाद वाले चैप्टर्स पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा, करोगे कि नहीं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलो अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।